अभी खंजाले भोग रहा है, उनका बॉस चलेगा तो हत्या भी कर देगा और मुझे उसका भी परवाह नहीं है। हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, लड़ेंगे। उनका सांसद ने कहा ना कि मिट्टी में मिला देंगे, हमने तो कहा कि मुझे कबूल है, आप समाज के लिए मैं लड़ाई लड़ने वाला हूँ, आप हमको मिट्टी में मिला दीजिए, मुझे कबूल है। लेकिन आपका योगी या मोदी जय नहीं बोलेंगे, जय कब बोलेंगे, जिस रोज आप आरक्षण लागू कर दीजिएगा, और आरक्षण लागू नहीं होगा तो समय पड़ेगा तो मुर्दाबाद कहेंगे, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या कोई राज्य का मुख्यमंत्री हो, अगर हमारा काम नहीं करेगा तो हमारा समाज और हम उनको मुर्दाबाद बोलने के लिए भी स्वतंत्र है। उनके भी आरक्षण को व्यवस्था आप ही को करना है। तो मैं तो आज तक आपने बंद कमरा में 2014 में 2019 में आपने हमेशा कहा कि निषाद का आरक्षण करेंगे, लेकिन इतना साल बीतने के बाद भी आरक्षण नहीं करें। तो मेरे पास एक ही विकल्प है कि इस देश में हम अपने वजूद को कायम करें, अपनी लड़ाई लड़े। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक मल्ला का बेटा बिहार में सरकार बनाया, आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री भी निषाद का मल्ला का बेटा आने वाले समय में बनाएगा, वो ताकत हम लोग बनाएंगे। आज बना ना, जब सरकार बनने का समय था, चार पार्टी के लेटर से सहयोग से सरकार बना, कोई एक पार्टी के सहयोग से नहीं बना। जितना 74 विधायक वाली पार्टी का जितना ताकत था, वजूद था, उतना ही चार वाले का भी था। अगर माझी जी या मुकेश जी अगर पलट जाते तो शायद सरकार नहीं बनता उस समय। तो अगर एक भी अगर पलट जाता, सिर्फ माझी जी पलट जाते तो भी सरकार नहीं बनता, या सहनी जी पलट जाता तो सरकार नहीं बनता। लेकिन हम राजा हरिश्चंद्र के जैसे अटल थे, ईमानदारी से उस वक्त भी काम कर रहे थे और आज भी काम कर रहे हैं, और कोशिश करते हैं जिंदगी में हमेशा ईमानदारी से आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि मैं संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। एक मछुआरा गरीब का बेटा 900 रुपए महीने पे नौकरी करने वाला व्यक्ति मुंबई जैसे शहर में भी अपने साम्राज्य को कायम कर लिया, और बिहार में 6 साल में निषाद के लिए 75 साल में जो प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हुआ था वो हमने पिछले 6 साल में तैयार कर दिया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि यूपी बिहार का झारखंड का निषाद भाई साथ होगा तो आने वाले समय में दिल्ली पे भी निषाद का बेटा कब्जा करेगा, और निषाद के बेटा का सहयोग से दिल्ली का प्रधानमंत्री बनेगा, और जिस रोज प्रधानमंत्री बनेगा उस रोज निश्चित तौर पे निषाद आरक्षण उस रोज लागू होगा। उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं कि मुकेश सहनी को मिट्टी में मिला देंगे, तो भाई आप सोचिए, आपको जो करना वो कीजिए, लेकिन मुकेश सहनी जब तक जिंदा रहेगा तब तक अपने समाज के लिए, हक अधिकार के लिए संघर्ष करते रहेगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, समाज के साथ लड़ते लड़ते मिट्टी में भी मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, क्योंकि समाज के लड़ते लड़ते अगर मुझे सही भी होना पड़े तो मैं तैयार हूं। उसमें बिहार में हम सरकार चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं, और आगे का मुझे कोशिश करता हूँ कि चलाएं, लेकिन लोग इसी तरीके से बेइज्जत करते रहेगा तो मुझे लगता है कि हमें अपना भी एक दुनिया बनाने की आवश्यकता है। जब आज एमएलसी की बात हुआ तो दूर कर दिए, मान लीजिए कि गठबंधन से निकाल दिए, हालांकि हम सरकार के साथ हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं, हमारी सरकार चल रही है। हम एक हिसाब से मान लीजिए कि गठबंधन से हमको और माझी जी को निकाल दिए, बगैर पूछे बगैर बात किए हुए उन्होंने निर्णय ले लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपने सहयोगी दल को भरोसे में लेंगे। तो आप सबको पता है कि भरोसे में कब लिया जाता है, जब काम करने से पहले भरोसे में लिया जाता है, काम करने के बाद भरोसे में नहीं लिया जाता। काम करने के बाद भरोसे में वो आदमी लेता है जो हम कहानी में सुनते हैं कि हिटलर हुआ करता था, जो पहले सोच लेता, जो मर्जी होता था वो कर देता था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कोई हिटलर नहीं है और कोई हिटलर को सुनने वाला नहीं है। तो उनको जो उचित लगा उन्होंने निर्णय लिया है, हम अपनी निर्णय निश्चित तौर पर लड़ाई लड़ेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं और आगे भी हम चाहते रहें। लेकिन ये चीजें सिर्फ हमारे इधर ही लागू नहीं होता, ये चीज उनके इधर भी लागू होता है कि वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इस बार तो साबित कर दिए, नहीं रखना चाहते दूर कर दिए। तो अभी तो हम 2024 का भी अपने दम पर तैयारी कर रहे हैं, हम 2024 में क्या राजनीति करेंगे, किसके साथ रहेंगे, ये मुझे आज नहीं पता है।